अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैट 2015 में लेसन नंबर 46। आज के इस लेसन में हम चैम्फर कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाउ टू यूज़ चैम्फर कमांड, पर्पज़ ऑफ चैम्फर कमांड, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट चैम्फर कमांड एंड हाउ टू चैम्फर द ऑब्जेक्ट यूज डिफरेंट मैथड। आज के इस लेसन में हम चैम्फर कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि चैम्फर कमांड होती है क्या और उस पर किस तरह काम किया जाता है। उसके लिए मैं ऑटो कैट को ओपन करता हूँ, मैं ऑटो कैट को ओपन कर रहा हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले जितने भी हमने लेसन देखे, जितने भी लेसन पे हमने काम किया, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने उन सब पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी ताकि आप आसानी से नेक्स्ट लेसन में भी काम कर सकें। तो इसके अलावा आप जो तो खुद से भी कुछ, क्योंकि हमने ट्रिम कमांड भी कर चुके हैं हम, उसके अलावा लाइन रेक्टेंगल कमांड भी कर चुके हैं, तो आप खुद से भी कुछ मैप्स वगैरह डिज़ाइन भी साथ में करना सीखें। और इंशाल्लाह ये लेसन है, 6-7 लेसन रहेंगे आपके, जो कि आपके टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ 2D ड्राइंग्स डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ ओके। गाइडलाइंस नहीं है, अगर गाइडलाइंस आती हैं तो आप F7 प्रेस करके गाइडलाइंस को ख़त्म कर सकते हैं। यूनिट सेट करता हूँ, इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच ओके, डायमेंशन डी एंटर, मॉडिफाई इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच एंड ओके, सेट करंट क्लोज। तो स्टूडेंट, चैम्फर कमांड यूज की जाती है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर चैम्फर करना चाहें तो उसके लिए आप चैम्फर कमांड यूज करते हैं। चैम्फर कमांड की शॉर्ट की CHA एंटर है, और इसके अलावा चैम्फर कमांड आपको यहां पे आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप फिलेट कमांड, और फिलेट के नीचे हमारे पास चैम्फर कमांड भी यहाँ पे देखें नज़र आ रही होगी। ये चैम्फर चैम्फर कमांड है और ऊपर साथ में फिलेट कमांड है। चैम्फर और फिलेट का फंक्शन क्या होता है, किस तरह यूज़ की जाती है, इसका आपको मैं आज मेथड बताता हूँ। तो मैं एल एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, फिर से एफ अभी जो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे रह गया, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट रह गया, या फिर अगर फॉर एग्जांपल ये ही लाइन जो है इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा आगे, यहाँ पे अगर ये लाइन है तो अब इस लाइन को जोड़ने के लिए ना ही तो फिलेट कमांड काम करेगी ना ही कोई और कमांड काम करेगी, तो उसके लिए आप चैम्फर कमांड यूज करोगे। तो चैम्फर कमांड के लिए CHA एंटर करेंगे आप, या फिर आपने यहाँ पे जाके अपने चैम्फर के ऊपर क्लिक करना है, और तीसरा मेथड है मॉडिफाई में जाके तो आप यहाँ पे चैम्फर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं CHA एंटर करता हूँ, शॉर्ट कमांड इसके CHA एंटर एंटर, कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट लाइन और, अब और में लिखे लिखा हुआ है अनडू, पॉली लाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रेम मेथड और मल्टीपल, तो ये काम हम आगे मैं बताता जाऊंगा आपको साथ साथ इनका काम भी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, पहले आप कह रहे सिलेक्ट सेकंड पॉइंट और शिफ्ट सिलेक्ट टू द अप्लाई कॉर्नर, और फिर मैं सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास देखिए ये चैम्फर कमांड अप्लाई हो गई है। अब इसके अलावा जो दूसरी मेथड था वो क्या था जी, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। चैम्फर CHA एंटर, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कह रहा है सिलेक्ट सेकंड लाइन और शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर, शिफ्ट को क्लिक करके आप यहाँ पे देखें क्लिक करेंगे, या फिर आप सिंपल आप इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें चैम्फर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर CHA एंटर करता हूँ, अब अंडू है, अंडू में क्या होता है कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चैम्फर कर चुका हूँ, इसको मैंने इसको भी चैम्फर किया और साथ में इसको भी कर लिया, तो अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं अंडू करूंगा, अंडू के लिए यू प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो देखें दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, नीचे अंडू लिखा हुआ था CHA एंटर। नेक्स्ट देखें अंडू के बाद है पॉली लाइन, तो पॉली लाइन के लिए मैं पी एंटर करता हूँ, पी एंटर करता हूँ, कहता है सिलेक्ट 2D पॉली लाइन, पॉली लाइन को आप सिलेक्ट करें 2D को,
मेरे पास पॉली लाइन है नहीं, तो पॉली लाइन को सिलेक्ट करने के लिए मैं पीएल एंटर करता हूँ। अब देखिए इसको, ये पॉली लाइन है तो इसके लिए मैं सी एच ए एंटर करता हूँ, पॉली लाइन के लिए पी एंटर करता हूँ, सिलेक्ट 2D पॉली लाइन को आप सिलेक्ट करें यहाँ से, देखें सिलेक्ट किया मैंने, तो ये भी चैम्फर कमांड में अप्लाई हो गई है। नेक्स्ट है चैम्फर में सी एच ए एंटर, उसके बाद है डिस्टेंस दे रहा है, कह रहा है डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो अब डिस्टेंस के लिए डी एंटर करेंगे, कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए चैम्फर का, तो मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लाइन एक स्पेसिफिक मेजरिंग के थ्रू लाइन लगाता हूँ, एल एंटर 10 फिट की लाइन लगाता हूँ, एंटर, दस फिट एंटर, जेड स्पेस ए स्पेस, यूसेस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए यूसी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके, एल एंटर, दस फिट एंटर। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से भी 5 फुट के फासले पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से 3 फुट के फासले पे चैम्फर हो जाए, यहाँ से भी 3 फिट के फासले पे चैम्फर हो जाए, तो उसके लिए आप चैम्फर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से सी एच ए एंटर करता हूँ और फर्स्ट पहले इसमें करता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस डी एंटर करता हूँ, कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 3 फिट, कह रहा है स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस 3 फिट, फर्स्ट को सिलेक्ट करें, सेकेंड को सिलेक्ट करें, ठीक है, 3 फिट 3 फिट के फासले में हमारे पास क्या हो गया चैम्फर हो गया। अब देखते हैं डिस्टेंस में आपको अप्लाई करता हूँ, मैंने 10 दिया था तो मेरे पास 7 फुट यहाँ से रह जाएगा, देखें 7 फुट यहाँ से रह जाएगा क्योंकि 3 3 फुट के फासले में मैंने चैम्फर अप्लाई कर दिया, तो डी आई एंटर करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक देखें 8 फुट 11 इंच, देख सकते हैं 8 फुट 5 इंच, 3 3 फुट के फासले में यहाँ पे हमारे पास आ गया जी। तो ये था जी चैम्फर कमांड का फंक्शन। नेक्स्ट आप बस चैम्फर कमांड में कंट्रोल जेड करता हूँ, और सी, अब ये चैम्फर जो है मैं पहले सिंपल सी एच ए एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, डिस्टेंस देता हूँ मैं इनको, आप यहाँ से मैं डिस्टेंस के लिए मैं लाइन देता हूँ, लाइन डिस्टेंस देता हूँ ताकि आपको इजीली मुझे पता चल जाए कि मैंने कितना चैम्फर दिया, और डेम स्केल बढ़ाता हूँ इसका, डी आई एम डेम स्केल 3 फिट का डेम स्केल में दे देता हूँ, और इस डेम स्केल को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एनवेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये जी अपडेट करता हूँ इसको, ओके, देखिए 11 फुट 5 इंच और 11 फुट 5 इंच की लाइन है, तो मैंने 10 फुट की दी थी, 10 फुट की दोबारा देता हूँ, एल एंटर 10 फीट, और यहाँ से भी 10 फीट, अब सही है। अब यहाँ पे आप इसका मैं यहाँ पे डायमेंशन बताता हूँ आपको, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा फासला छोड़ा था इस वजह से मेरे पास एक्यूरेट नहीं आ रही थी। अब चैम्फर अप्लाई करता हूँ, सी एच ए एंटर, और डिस्टेंस, अब यहाँ से भी आप चैम्फर अप्लाई कर सकते हैं, आप देखें जुड़ा हुआ है, फिर भी मैं डिस्टेंस के लिए अप्लाई करूंगा, हालांकि चैम्फर किया हुआ है लेकिन मैं डिस्टेंस के लिए अप्लाई करूंगा, तो डिस्टेंस के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, डी एंटर करता हूँ, और फर्स्ट में से भी 3 फिट डिस्टेंस देता हूँ, सेकेंड में से भी 3 फिट डिस्टेंस देता हूँ, और यहाँ से देखें 7 फिट यहाँ पे रह गया और 7 फिट यहाँ पे रह गया, 3 फिट हमारे पास क्या आ गया, चैम्फर आ गया। आप देख सकते हैं चैम्फर देखना चाह रहे हैं कि 3 और 3 6 फिट हमारे पास चैम्फर है, देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाके आप यहाँ पे अलाइन पे क्लिक करके आप यहाँ से देखें 4 फुट 3 इंच हमारे पास डिस्टेंस है, और यहाँ से मेन आपका 6 फिट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ से इसने
3 फिट और 3 फिट के फासले पे चैम्फर के यहाँ पे। तो ये था जी चैम्फर का फंक्शन। उसके अलावा आप चैम्फर के और भी कुछ टेक्निक्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और क्या क्या चैम्फर की टेक्निक है, CHA एंटर। आप यहाँ पे डिस्टेंस के बाद है यहाँ पे एंगल, एंगल के लिए एंटर करेंगे। चैम्फर कहता है लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन की लेंथ होनी चाहिए जी फॉर एग्जाम्पल 2 फिट के फासले पे। एंगल कितना होना चाहिए इसका, 45 एंगल होना चाहिए। सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन, आप देखें इसने 45 के एंगल में हमारे पास यहाँ पे दे दिए। और ये एंगल आप चेक करें तो आप ये 45 के एंगल में हमारे पास इसने चैम्फर किया इसको। तो ये था जी एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास चैम्फर के CHA एंटर। एंगल बाद ट्रिम, तो ट्रिम के लिए टी एंटर करता हूँ मैं, देखता हूँ ट्रिम का क्या फंक्शन यूज होगा। ट्रिम यस, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकेंड लाइन, यहां पे इसने ट्रिम नहीं किया। CH में दोबारा अप्लाई करता हूं, चैम्फर ट्रिम एंटर, ट्रिम मोड ऑप्शन। चलिए ट्रिम का मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा इसका ट्रिम का क्या फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसमें ये कुछ नया दिया हुआ है। तो ये था ही चैम्फर कमांड, और चैम्फर कमांड हम किस तरह अप्लाई करते हैं, इस पर क्या क्या काम करते हैं। और मल्टी चैम्फर का फंक्शन ही होता है कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल एल एंटर करता हूँ, अभी काफ़ी सारे मेरे पास लाइन है, सबको मैं चैम्फर करना चाह रहा हूँ, तो CHA एंटर करता हूँ। अब मल्टी के लिए मैं मल्टीपल मतलब ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तो M एंटर करता हूँ। मेथड में वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आपका एंगल और डिस्टेंस और एंगल यूज़ हो रहा है, आप मेथड पे अप्लाई करके देख लीजिए। और अब यहाँ से आप सिलेक्ट करते जाएँ मल्टीपल के लिए, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इससे ज़्यादा फासला है इसका। अब ये हो जाएगी देखिएगा, मैं क्यों नहीं हो रही, ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, ट्रिम मैंने नो ट्रिम किया था, इस पर अब क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ। हाँ अब हो रही है ट्रिम का, अब मुझे ट्रिम का भी समझ आ गया, ट्रिम का भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिम का क्या फंक्शन है। देख सकते हैं ये मल्टीपल ओके। अब ट्रिम का फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ जी। ट्रिम का फंक्शन ये कि ये जो लाइन है आपके पास एल एंटर, अब ये जो लाइन है ये ट्रिम है, ये जो लाइन है इसके बीच में से ये ट्रिम की हुई है। अब इसको अगर मैं ट्रिम को नो ट्रिम करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं CHA एंटर करता हूँ, ट्रिम के लिए ट्री एंटर करता हूँ, और इसको मैं नो ट्रिम करता हूँ, देखिएगा नो ट्रिम करता हूँ, और अब मैं इसको जब चैम्फर करूंगा तो देखिए चैम्फर अप्लाई नहीं होगा, देख सकते हैं CHA एंटर करता हूँ, देखिए नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने ट्रिम ऑन रखना है हमेशा, तो उसके लिए CHA एंटर करना है, टी एंटर करना है, CHA एंटर, टी एंटर, ट्रिम इसको क्लिक करना है, ट्रिम को हमेशा सिलेक्ट करके रखना है। अब आपके देखेंगे ऑब्जेक्ट चैम्फर हो रहा है। तो ये था ट्रिम का फंक्शन था। इसी तरह CHA एंटर करके आप यहाँ पे जो मेथड है, मेथड के लिए ई एंटर करेंगे, तो अब इसमें वही है डिस्टेंस और एंगल, एंगल देना चाह रहे हैं डिस्टेंस देना चाह रहे हैं, आप वो दोनों चीज़ें दे सकते हैं। और एंगल का जो फंक्शन है वो फिर बताता हूँ आपको, CHA एंटर, एंगल के लिए ए एंटर, लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन,
एक फिट के फर्स्ट क्लिप हो, एंगल हो 60 का, देख सकते हैं 60 के एंगल पे हमारे पास ये लाइन यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये जोड़ी इसलिए नहीं क्योंकि इसका मैंने फासला कम दिया था, मैंने 1 फुट का फासला दिया था और एंगल भी मैंने दिया था, इस वजह से ये यहाँ पे सही जुड़ी नहीं है। तो एंगल के लिए मैं एंगल चेक करता हूँ, देखते हैं इसका एंगल सही है कि नहीं है। तो उसके लिए एंगुलर पे क्लिक करें, डायमेंशन एंगुलर, सिक्सटी के एंगल आप देख सकते हैं। तो मैंने 60 का इसको एंगल दिया था और ये देख सकते हैं 60 के एंगल भी हमारे पास लाइन आ गई है, देख सकते हैं। तो ये था आपका जी चैम्फर कमांड और चैम्फर कमांड के फायदे कुछ फंक्शंस, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फिलेट कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।